भोपाल की साइबर क्राइम पुलिस ने टास्क फ्रॉड गिरोह का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के सदस्य चाइनीज ग्रुप से जुड़े थे और एप्लीकेशन के जरिए लोगों को नौकरी का झांसा देकर करीब 90 लाख रुपए की ठगी कर चुके थे। डीसीपी ऋतुकृति सोमावंशी ने बताया कि मध्य प्रदेश की ये पहली गैंग है जो सीधा चाइनीज ग्रुप के संपर्क में जुड़कर फ्रॉड कर रही थी और गिरोह के सदस्य पैसों को क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन में एक ग्रुप को भेजते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं। वो बहुत ही गरीब तबके के लोग होते हैं या जरूरतमंद होते हैं, उनके नाम पर खोले जाते हैं। कोई किसी टाइप की फर्जी एजेंसी बना के ये करंट अकाउंट खोले जाते हैं, जिसमें आम तौर पे ये देखा जा रहा है कि बैंक के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी हीला हवाली की जा रही है KYC करने में। पिछले कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें हमने क्राइम ब्रांच में बैंक के कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया है, जहाँ पर ये प्रतीत हुआ है कि KYC करने में उनके द्वारा कुछ गड़बड़ी की गई है। इस केस में भी हम इस एंगल पर विचार कर रहे हैं। जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी KYC के जो लेटर्स हैं वो मंगाए गए हैं, अगर उसमें कुछ इस प्रकार की गड़बड़ी या धोखाधड़ी पाई जाएगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अल्टीमेटली जो इस तरह के अकाउंट्स हैं वो उन लोगों के नाम पर होते हैं जिनको 2,000-5,000 रुपये दे के बरगला दिया जाता है और उस अकाउंट को फ्रॉड के लिए यूज़ किया जाता है। अब पिछले कुछ टाइम में हम लोगों ने उन पर थोड़ी सी दया करते हुए, थोड़ी सी उनके रहम बरतते हुए उन लोगों को छोड़ दिया था जिनके नाम पर ये अकाउंट खोले जा रहे थे, पर अभी ये देखने को मिल रहा है कि ऐसे लोग कुछ मंथली कमीशन लेके अपने अकाउंट उन लोग को दे देते हैं फ्रॉड करने वालों को। तो हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि आगे से इस तरह के मामलों में जो अकाउंट होल्डर है उसका भी नाम जो है आरोप पत्र में दाखिल हो। इस तरह की वेबसाइट्स एक्चुअली बहुत